Welcome to the online study of class. Today I am going to discuss with you all about the new chapter, that is chapter 3, algorithms and flowcharts. In this chapter we will learn about algorithms means Kalan Vidhi, flowcharts, Prawah Sanchit, symbols used in flowcharts, and the last one is rules for drawing flowcharts. So students, without wasting a moment, let's start our first topic, that is about algorithm, its definition and meaning. An algorithm is a list of instructions for completing some task. अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये algorithm किसी काम को करने का एक तरीका है जो एक खास क्रम में किया जाता है और अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग algorithm का प्रयोग होता है. For example, अगर आप daily life में देखें तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप चाय पीते हैं. तो चाय पीने के पहले आप चाय बनाते हैं जिसमें वो सारे स्टेप्स आप कुछ फॉलो करते हैं और उसको बनाते हैं. तो उसी को एक एग्जांपल के रूप में लिया जाए. जैसे कि अगर आपको चाय बनाना है तो आप कुछ दिए गए निर्देशों का पालन करते होंगे. जैसे कि सबसे पहले आप गैस ऑन करेंगे, उसके बाद बर्तन में पानी लेंगे, फिर थोड़ी सी अदरक या इलायची डालेंगे, उसके बाद चीनी और चाय पत्ती भी डालेंगे और एंड लास्ट फिर बाद में दूध डालेंगे. कुछ देर उबलने के बाद गैस को ऑफ या बंद कर देंगे. बनी हुई चाय को आप कप में डालकर फिर सर्व करेंगे या खुद भी पियेंगे. ये इतने सारे जो निर्देश दिए गए थे ये सारे एल्गोरिथम के अंडर में आते हैं, क्योंकि इस तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज में एल्गोरिथम का भी उपयोग किसी प्रोग्राम के लॉजिक को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है. यदि दी गई कमांड को उसी क्रम में फॉलो करेंगे तो सेटिस्फाइड रिजल्ट आपको मिल जाएगा. अब आइए जानते हैं इसके प्रकार के बारे में, या ये कह सकते हैं आप कि इसकी कुछ खूबियों के बारे में, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एल्गोरिथम. दे आर वेल डिफाइंड इनपुट्स, क्लियर एंड अनएम्बिजियस, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, वेल डिफाइंड आउटपुट्स, फाइनेटनेस, फिजिबल. तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम. ठीक है, अब आइए इसके जानते हैं कुछ फायदे या नुकसान के बारे में, मीन्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम. सो लेट अस नो अबाउट इट्स एडवांटेज फर्स्ट. फर्स्ट, इजी टू राइट. सेकेंड, ह्यूमन रीडेबल टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड लॉजिक. थर्ड, एल्गोरिथम्स फॉर बिग प्रॉब्लम्स कैन बी रिटन विद द मॉडरेट एफर्ट्स. आफ्टर नोइंग एडवांटेजेस, लेट्स कम टू नो अबाउट इट्स डिसएडवांटेजेस. हेयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू. फर्स्ट, इट्स डिफिकल्ट टू डिबग. सेकेंड, डिफिकल्ट टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग. थर्ड, जंपिंग मेक्स इट हार्ड टू ट्रेस. तो स्टूडेंट्स, ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम. अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है अबाउट फ्लो चार्ट्स. व्हाट इज फ्लो चार्ट? अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द प्रोसेस टू बी परफॉर्म टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू अ कंप्लीट अ टास्क. इट यूजेस सिंपल ज्योमेट्रिक सिंबल्स एंड एरो टू डिफाइन रिलेशनशिप्स. किसी भी प्रोग्राम के लिए एल्गोरिथम लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप फ्लो चार्ट बनाना होता है. फ्लो चार्ट किसी भी प्रोग्राम के कोड को लिखने में अहम भूमिका निभाता है. फ्लो चार्ट से ही आपको जाता है कि आखिर किसी भी प्रोग्राम में आपको क्या करना है और किस तरह प्रोग्राम फ्लो करेगा और एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा. तो आइए चलिए जानते हैं कि ये फ्लो चार्ट क्या है, इसे कैसे बनाते हैं और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानते हैं. तो फ्लो चार्ट किसी भी एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में, यानी कि एल्गोरिथम में, हम जो कुछ भी लिखते हैं उसे एक डायग्राम में दर्शाना या फिर शो करना ही फ्लो चार्ट कहलाता है. इसके कई सारे डायग्राम्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड शेप एक्सेट्रा. इसको इसलिए बनाया जाता है कि एल्गोरिथम को और अच्छे से समझा जा सके. फ्लो चार्ट में इन्हीं सिंबल का यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते होंगे. ये सिंबल एक दूसरे से कनेक्टेड होकर
ये दर्शाते हैं कि प्रोग्राम कैसे फॉलो कर रहे हैं, या फिर बहुत आसान सी भाषा में कह सकते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, ये सब बताता है। तो इसलिए आपको फ्लो चार्ट में बेसिक सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से सिंबल्स हैं, जैसा कि आप आने वाले पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग फ्लो चार्ट को तैयार करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि अब तक मेरे बताए गए हुए सारी चीज़ों को आपको समझ आया होगा। सो प्रोसीड विद द नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। जैसे कि सब चीज़ों में कुछ खूबियाँ होती हैं तो कुछ खामियाँ भी होती हैं, तो चलिए आइए जानते हैं पहले इसकी खूबियों के बारे में। फर्स्ट, इजी टू ड्रॉ। सेकेंड, इजी टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। थर्ड, इजी टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स बाय द नॉन कंप्यूटर पर्सन। सो ये तो थे कुछ एडवांटेजेस, अब आइए चलते हैं जानते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। टाइम कंज्यूमिंग। सेकेंड, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। थर्ड, वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर बिग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे फ्लो चार्ट्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जिसे आप चाहे तो फिर से देखकर इसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो दिए गए हैं सिंबल्स हैं, इसके सिंबल्स के साथ इसके कुछ फंक्शंस भी दिए हैं जो कि इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक है लूप। लूप, व्हाट इज मीनिंग, व्हाट इज कॉल्ड लूप, किसी को पता है? नहीं, आइए मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट कम्स टू इट्स डेफिनेशन। अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय विच एन एक्शन इज रिपीटेड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज मेट इज कॉल्ड लूप। मीन्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स किसी कोड या टास्क को कई बार रिपीट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह स्टेटमेंट एक कंडीशन के अकॉर्डिंग टास्क को बार बार रिपीट कराती है। फ्लो चार्ट एंड लूप। लेट्स सी अलोंग विद द पिक्चर ऑफ कंपैरिजन चार्ट। हियर आर सम पिक्चर्स रिलेटेड टू फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। फ्लो चार्ट बाय ब्लॉक इंफॉर्मेशन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द डाटा फ्लो। इन एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ एनी सॉल्यूशन। सेकंड, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। वाइल इन एल्गोरिथम, इट इज स्टेप वाइज एन एनालिसिस ऑफ द वर्क टू बी डन। थर्ड, सॉल्यूशन इज शोन इन ग्राफिक फॉर्मेट। वाइल इन एल्गोरिथम, सॉल्यूशन इज शोन इन नॉन कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। फोर्थ, easy to understand as compared to algorithm. While in algorithm, it is somewhat difficult to understand. Fifth and the last one is easy to show, but in algorithm, it's very difficult to show. So students, at last, but not the least, with this whole explanation, this chapter comes to an end. And I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So very soon, we will meet in the next video with another interesting topic. So stay at home and be safe. Have a good day.